जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। निर्विरोध महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य चुने गए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व 8 अन्य नेताओं को निर्विरोध विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। दरअसल उद्धव को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 27 मई से पहले परिषद का सदस्य चुना जाना जरूरी था। गौरतलब है कि रविवार को कांग्रेस ने अपने 2 में से 1 उम्मीदवार का नाम वापस लेने की घोषणा की थी। कोरोना वायरस लैब से आया है, यह प्राकृतिक नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीने की कला को समझना होगा, क्योंकि यह कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है, यह आर्टिफिशियल है और प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा वैज्ञानिकों डॉक्टरों को भी इसके बारे में पता नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। सभी धार्मिक न्यासों में पड़े सोने को अपने नियंत्रण में ले सरकार। कांग्रेस नेता व महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने सुझाव दिया है कि सरकार को देश के सभी धार्मिक न्यासों में पड़े सोने को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। उन्होंने कहा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग के अनुसार देश में धार्मिक ट्रस्टों के पास ₹76 लाख करोड़ का सोना है। गोल्ड बॉन्ड्स के जरिए इन्हें मामूली ब्याज दर पर लिया जा सकता है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।